सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे क्वांटम सीरीज का बात करते हैं। तो सब्जेक्ट है सीएसएस, जिसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्टडी करेंगे और देखिए कॉमन टू ऑल ब्रांचेस के लिए हैं। जो भी ब्रांच होता है बीटेक में वो सब कॉमन होता है। तो इसका स्टडी हम लोग करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर, जी हाँ दोस्तों, और बात करें हम यहाँ पे बोर्ड की, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्वांटम का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटम में हम लोग यूनिट नंबर वन का स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो यूनिट नंबर वन में देखिए क्या क्या पढ़ना है नॉर्मली हमको। तो यूनिट नंबर वन में जो हम लोग को पढ़ना है वो है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी एंड हाउ टू लर्न, और कैसे इसको सीखेंगे। सैम्पल अटैक्स, द मार्केट प्लेस फॉर द वल्नरेबिलिटीज, ईरा 404 हैकिंग, डिजिटल इंडिया पार्ट वन, कैश पढ़ेंगे, हैकिंग पढ़ेंगे यहाँ पे, हैकिंग एंड डिफेंस क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, कंट्रोल हाईजैकिंग, मोर कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स, इंटीजर ओवरफ्लो, मोर कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स फ्रॉम स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज होता है, क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। फिर डिफेंस अगेंस्ट कंट्रोल हाईजैकिंग ये पढ़ेंगे। फिर प्लेटफॉर्म डिफेंसेस क्या होते हैं पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे डिफेंस अगेंस्ट कंट्रोल हाईजैकिंग क्या होता है, रन टाइम डिफेंस क्या होता है, और एडवांस कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स क्या होता है। तो यूनिट नंबर वन में इन सारी चीज़ों का हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आते अपने टॉपिक्स पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, पीसीएम नॉलेज चैनल से जुड़ गए हैं और अब तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो यूनिट नंबर वन का हम लोग स्टडी करते हैं। यूनिट नंबर वन यहाँ से देखिए आ गया है और इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। यूनिट नंबर वन का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, हाउ विल यू डिज़ाइन द प्रोसेस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर देखिए यहाँ पे नॉर्मली आप इसका आंसर भी दे सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द थेफ्ट और द डैमेज टू द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड द इंफॉर्मेशन ऑन देम। तो कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी एक प्रोटेक्शन, बचाव का एक कवच होता है जो हमारे इंफॉर्मेशन को बचाता है, सिस्टम को बचाता है, वहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी पार्ट होते हैं उसको बचाता है, उसको डैमेज करने से रुकता है। सेकंड में लिखेंगे, इट इंक्लूड्स कंट्रोलिंग फिजिकल एसेस टू द हार्डवेयर एज वेल एज द प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्म डैट एनी डैट मे कम वायर नेटवर्क एसेस डेटा एंड कोड इंजेक्शन एंड ड्यू टू द माल प्रैक्टिस बाई द ऑपरेटर्स। तो ये सेकेंड टॉपिक्स है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि वी कैन डिजाइन द पॉलिसीज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द प्रोवाइडिंग। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, दो तीन पॉइंट में आप इसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, इसमें आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है इसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो होता है उसको हम डिफाइन करेंगे कि ओनली ऑथराइज्ड यूज़र कैन असेस द डाटा और रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। केवल क्या करेगा यहाँ पे जो यूजर रहेगा बस वही इसका यूज कर सकता है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के बारे में आप लिखेंगे कि ओनली ऑथराइज्ड यूजर शुड बी एबल टू मॉडिफाई द डाटा व्हेन नीडेड। जब इसको आवश्यकता रहेगी तो सिर्फ यूजर ही इसको खोल सकता है, तो इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। अवेबिलिटी क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे कि डेटा शुड बी अवेलेबल टू यूज़र व्हेन नीडेड, जब नीडेड होगा तो आप वहाँ पे यूज़र इसको निकाल सकता है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन विथ द ऑथोराइज्ड, यहाँ पे जो ऑथोराइज्ड होगा उसके द्वारा सिर्फ कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो नॉर्मली आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी और ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये तीन टॉपिक्स था, तो आप इसको ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी नीड टू बी सिक्योर, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी को सिक्योर करते हैं। तो इसके आंसर में नॉर्मली आपको लिखना है कि यहाँ पे तीन टॉपिक्स हैं। पहला क्या है,
पहला है आपका हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के बारे में लिखेंगे, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लाइक द सिस्टम मेमोरी एंड डिस्क ड्राइव। फर्मवेयर, इसमें लिखेंगे परमानेंट सॉफ्टवेयर डेट इज एथिक डेट इज एथिट इन टू द हार्डवेयर डिवाइसेस नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड इट मोस्टली इनविजिबल टू द यूज़र। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर देखिए इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है, इसको देखा नहीं जा सकता है, ओनली महसूस किया जाता है और इस पर प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द प्रोग्रामिंग डेट्स ऑफर्स सर्विसेज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड प्रोसेसर इंटरनेट ब्राउजर टू द यूज़र। तो थर्ड पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, और क्वेश्चन क्या था कि विच कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम नीडेड टू बी सिक्योर, कौन कौन से सिस्टम होते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम में जिसको सिक्योर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हार्डवेयर, फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तीन चीज़ यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्कस द गोल्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का क्या गोल्स होता है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का गोल्स क्या होता है। तो इसके मेन गोल्स होते हैं, तीन गोल्स होते हैं। पहला है कन्फिडेंशियलिटी, क्या है कन्फिडेंशियलिटी, तो कन्फिडेंशियलिटी क्या होता है उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है आपको कि मेकिंग श्योर पीपल कैन नॉट अक्यूर इंफॉर्मेशन दे शुड नॉट, यहाँ पे देखिए कीपिंग सीक्रेट्स, तो यहाँ पे ये पहला गोल्स है। सेकंड है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को डिफाइन करेंगे, मेकिंग श्योर पीपल कैन नॉट चेंज इंफॉर्मेशन दे शुड नॉट प्रोटेक्टिंग डाटा, तो यहाँ पे जो अदर कोई पीपल होगा तो यहाँ पे इस जो इंफॉर्मेशन होता है उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। अवेबिलिटी थर्ड पॉइंट में डालेंगे अवेबिलिटी, और इसके बारे में लिखेंगे मेकिंग श्योर पीपल कैन नॉट स्टॉप द कंप्यूटर फ्रॉम डूइंग इट्स जॉब, मतलब कोई भी यदि व्यक्ति है वो कंप्यूटर को स्टॉप नहीं कर सकता है जब तक वहाँ पे यूज़र नहीं रहेगा। तीन पॉइंट लिखेंगे क्या क्या गोल्स है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के, कौन कौन से गोल्स है। तो पहला गोल्स क्या है कन्फिडेंशियलिटी, सेकंड है इंटीग्रिटी एंड थर्ड है अवेबिलिटी। थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे इसमें। अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर का स्टडी करते हैं, और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के साथ में कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाते हैं उसका आपको स्टडी करना है, आपको बताना है। तो आंसर इन लिखेंगे पहला है फिशिंग, सेकंड क्या है विशिंग, थर्ड क्या है स्कीमिंग, फोर्थ है फार्मिंग एंड फिफ्थ क्या है वल्नरेबिलिटीज़ और सिक्स में है एक्सप्लोजर्स, बस इतना ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं किसका, फिशिंग का। तो फिशिंग को ऐसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कि फिशिंग इज़ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द यूजर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड नेट बैंकिंग इंफॉर्मेशन बाय डिजाइनिंग एज द ट्रस्टवर्थी इंटीनिटी इन द ऑनलाइन कम्युनिकेशन एज लाइक ईमेल सोशल मीडिया etc। तो फिशिंग जो होता है, तो फिशिंग में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इसमें जो अटैकर होता है ना आपके पास जब अटैक्ट करेगा तो ईमेल के थ्रू कर सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास में इसको भेज करके आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। सेकंड क्या है विशिंग, तो विशिंग को देखिए वॉइस फिशिंग इसको कहते हैं, मतलब इसमें जो अटैकर होगा वॉइस के थ्रू आपके सिस्टम को हैक करेगा। और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विशिंग इज एन अटेम्प्ट ऑफ द फ्रॉडस्टर टू द प्रोसीड्यूर द विक्टम टू द डिलीवर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफर मनी आर द फोन। तो यहाँ पे वॉइस के थ्रू आपका जो हैकर होगा आपका यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकता है और मनी आपका ले सकता है और फोन के सिस्टम को हैक कर सकता है। थर्ड क्या है स्कीमिंग, और स्कीमिंग को आप डिफाइंड करेंगे कि SMS, तो SMS के द्वारा इसमें अटैकर आपके पास में करता है। जैसे इसमें कह रहा है कि स्कीमिंग इज एनी केस वेयर सेंट टेक्स्ट मैसेज अटेम्प्ट टू द मेक द पोटेंशियल विक्टम पे मनी और क्लिक ऑन द सुपरसियस लिंक। तो इसमें क्या करता है कि मैसेज के द्वारा आपके पास में अट्रैक्टर आपके पास में मैसेज भेजेगा और उसके थ्रू आपका देखिए पोटेंशियल विक्टम्स पे मतलब मनी आपको पे करने के लिए कहेगा, तो आपके वहाँ पे मनी ले सकता है और भी आपका पर्सनल लिंक्स वहाँ पे ले सकता है। फोर्थ क्या है फार्मिंग, तो फार्मिंग को डिफाइंड करेंगे A, B और C, तीन पार्ट में इसको डिफाइंड करेंगे और इसमें लिखेंगे फार्मिंग इज अ साइबर अटैक्स मीन टू रिडायरेक्ट अ वेबसाइट्स ट्रैफिक टू द अनदर फेक वन। बी में लिखेंगे कि फार्मिंग कैन बी डन आइदर बाय चेंजिंग द हॉट्स फाइल ऑन द विक्टम्स मशीन आर एक्सप्लोटिंग अ फ्यू इन द DNS सर्वर सॉफ्टवेयर। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इन फार्मिंग नो कॉन्शियस यूजर इंट्रैक्शंस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई भी कॉन्शियस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है।
फिफ्थ में लिखेंगे वल्नरेबिलिटीज़। तो वल्नरेबिलिटीज़ में कैसे आप इसको डिफाइंड करेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे नॉर्मली कि इसमें भी दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट को लिखेंगे बारी बारी से। इसमें लिखेंगे वल्नरेबिलिटीज़ इज अ सॉफ्टवेयर मिस्टेक डेट इनेबल्स अ बैड एक्टर टू अटैक अ सिस्टम और द नेटवर्क बाय द डायरेक्टली असेसिंग इट। ये डायरेक्टली आपके पास में भेज करके आपके डेटा को असेस कर सकते हैं। बी में लिखेंगे वल्नरेबिलिटीज कैन परमिट एन अटैकर टू एक्ट एज द सुपर यूजर्स आर द इवन सिस्टम एडमिन एंड द ग्रेंटिंग देम फुल एसेस प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे यही होता है कि वल्नरेबिलिटीज के तहत आपका जो हैकर होगा वो आप ही सब कुछ कराएगा, बस आपको कुछ मालूम नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है, एक्सप्रोसेस क्या है। तो इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ए कह रहा कि इट प्रोवाइड्स अ मिलिशियस एक्टर विद द इनडायरेक्ट एसेस टू द सिस्टम आर अ नेटवर्क। एंड बी में देखिए क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि एन एक्सपोर्स कूड इनेबल अ हैकर टू द हाईवेस्ट सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन इन द सीक्रेट मैनर। सीक्रेट मैनर में आपका कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे हैक कर सकता है, किसके थ्रू, एक्सप्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से 6 पॉइंट थे किसके लिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के साथ में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो नॉर्मली आपको टॉपिक्स याद कर लेना है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका फिशिंग, सेकेंड विशिंग, थर्ड है स्पैमिंग, इस मिसिंग, फोर्थ में क्या है फार्मिंग, एंड फिफ्थ में क्या है वल्नरेबिलिटी, एंड सिक्स में क्या है एक्सप्रोसेस। तो 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट आपको नॉर्मली याद कर लेना है।